नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। आप पुरंदहा रजवाड़ा पूर्वी चंपारण मुसनिया गांव में आज संजीव कुमार न्यूज रिपोर्टर न्यूज कलेक्ट करने गए थे। उन्हें गोली मारने की साजिश राजनीतिक तत्व पे रचा गया था। सामाजिक चुनाव वो लड़ रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि है और हमको वो बता रहे हैं जहाँ तक कि हमको गोली मारने की साजिश रचा गया था। क्या यह स्वतंत्र पत्रकार का यही इनाम मिलना चाहिए? क्या यही पुरस्कार है उनका? और हम लोग क्या, उनका कहना है कि हम लोग क्या माइक पकड़ने के लिए जनता के हित में ही काम करते हैं, तो क्या यह गुनाह है? किसी नेता के पक्ष में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, गोली खाने से बचेंगे? जनता का हित में कार्य करते हैं तो गोली मारने का साजिश रचा जाता है? क्या यही इंसाफ है? नीतीश बाबू का आपका सरकार है और यही आपका सरकार का हाल है क्या? आप भी देखिए, देखते रहिए आएगी रिपोर्ट तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क पे संजीव यादव के। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क संजीव यादव के साथ। देखिए, एक स्वतंत्र पत्रकार को क्या सजा मिलता है जो कि आज सवेरे राजनीति के तहत कुछ सामाजिक तत्व का लोग हमको न्यूज कलेक्ट करने के लिए गांव में बुला लिया है और गांव में गए हैं तो वहां आर्म्स वगैरह रेडी करके गोली लोड करके और हमको बंदी बना के गोली मारने का साजिश रचा गया था, जो कि अगर हम उनके घर से नहीं भागते तो जान से मार दिया जाता। एक स्वतंत्र पत्रकार का बिहार में यही हाल है और निर्भय निर्विरोध पत्रकारिता हम लोग करते हैं और जो सच है, जो जनता का हित में होता है वो बोलते हैं, इसके लिए हम लोग को गोली मारने का प्रयास किया जाता है। क्या ये सत्य है? क्या ये सही है? और जितने भी पत्रकार भाई बंधु है सबसे हमारा हाथ जोड़ के विनती है, दसों उंगली जोड़ के, कि एक स्वतंत्र पत्रकार को क्या ये सजा मिलना चाहिए? आप लोग कहिए तो हमारे में गलती है तो आप जूता निकाल के हमको मार सकते हैं। क्या हम पब्लिक के लिए आवाज़ उठाएं तो गलत है क्या? और जो भी हमारा न्यूज है आप देख सकते हैं तिरहुत लाइव में, कोई भी न्यूज, हम किसी भी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं और किसी नेता के प्रति नहीं उसमें विरोध बोले हैं, सिर्फ जनता का ही बात बोले हैं। और उसका सजा क्या मिला कि हमको गोली मारने का धमकी दिया गया है और धमकी देने के बाद हम उनके जालसाज में नहीं फंसे तो न्यूज कलेक्ट करने के लिए गांव में बुला के और गोली मारने का प्रोग्राम ही रच दिया गया था और दो चार डंटा मारबो किया है वहाँ मुसहरनिया गांव में 50 आदमी के सामने ये घटना घटा है, जो कि मुखिया का कैंडिडेट है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, मुखिया का कैंडिडेट है, राजनीति लड़ता है, वो वोट जीतेगा या हारेगा, हम पत्रकार है, पत्रकारिता न्यूज बनाना हमारा काम है, न्यूज बनाए इसका मतलब ही नहीं कि हमको गोली मार दिया जाएगा, यही सत्य है और इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क संजीव यादव के साथ और तमाम पत्रकार भाई से अनुरोध है और जितने भी पुलिस प्रशासन, जितने भी सरकारी कर्मी हैं सबसे अनुरोध है कि एक पत्रकार को अगर गोली मार दिया जाएगा तो क्या कौन पत्रकार पत्रकारिता करेगा? कितना पैसा देता है हमारा चैनल हमको पत्रकारिता करने के लिए? क्या पैसा के लोभ से हम पत्रकार बने हैं? अगर पैसा के लोभ से हमको पत्रकारिता करना रहता तो डकैती करते, पत्रकारिता नहीं करते, ठीक है? और जनता के लिए बोलेंगे उसका सजा गोली मार दिया जाएगा तो क्या मनीष कश्यप बोलता है, जो कि एक पत्रकार है? मनीष कश्यप कोई अपना धन संपत्ति बनाने के लिए नहीं बोलता है, जनता के लिए ही बोलता है। तो मनीष कश्यप के ऊपर भी आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क संजीव यादव के साथ। हम परिहार अनुमंडल के संवाददाता हैं, जो कि पुरंदहा रजवाड़ा पूर्वी में मुसहरनिया गांव है, जहां कुछ राजनीति तत्वों का लोग हमें न्यूज कलेक्ट करने के लिए बुलाया और वहां हम गए तो हमारे ऊपर गोली मारने का साजिश रचा गया था। वहां जाने के बाद हमको फटा से मारने लगा और घर बंद करके बोला गोली मार दो और हम वहां से गेट तोड़ के बाहर भागे हैं, नहीं भागते तो गोली मार दिया जाता। क्या एक स्वतंत्र पत्रकार को यही सजा मिलना चाहिए? आपका पुलिस प्रशासन यही ड्यूटी कर रहा है कि जो जनता के हित में पत्रकारिता करेगा उसको गोली मार दिया जाएगा और जो नेता के पीछे पीछे घूमेगा, जो नेता का न्यूज कलेक्ट करेगा और नेता के पक्ष में बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा और जो जनता के पक्ष में बोलेगा और जनता का न्यूज कलेक्ट करेगा उसको गोली मार दिया जाएगा? मेरे दोस्त, एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते हम सब छोटा बड़ा भाई बहन और माता पिता सबसे अनुरोध करते हैं कि जितना भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव, उसको जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जितना आगे हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये वीडियो सुनाई देना चाहिए कि उनका बिहार में उनका पुलिस प्रशासन क्या ड्यूटी कर रहा है।
एक मनीष चौधरी जो कि पुरंदर अजवारा पूर्वी का मुसहरनिया गांव का निवासी है, एक पत्रकार के नाते हम बोल रहे हैं, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं, वो भी स्वतंत्र पत्रकारिता किया था, उसके चक्कर में उनके ऊपर आर्म्स केस करके और आज उनको बाहर फरारी काट रहा है वो, और हमको तो जान से ही मारने का धमकी दिया गया। फिर शुरू हो गया, धमकी नहीं मारने का प्रयास किया गया है, और कनपट्टी में आर्म्स भी भिराया हुआ था। अगर हम गेट तोड़ के नहीं भागते, देख सकते हैं आप कि उसका मेरा जूता भी टूट गया है, नहीं भागते तो गोली मार दिया जाता है। क्या एक स्वतंत्र पत्रकार का यही दशा है? इसीलिए कोई स्वतंत्र पत्रकारिता करेगा क्या? मनीष कश्यप कर रहा है, वो अपना धन संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है। कितना पैसा देता है पत्रकार को सब आदमी जानते हैं, पत्रकार का कोई सैलरी नहीं होता है। कोई भी पत्रकार पत्रकारिता करता है तो सिर्फ जनता का आवाज उठाने के लिए करता है, इसका सजा क्या मिलता है? उनको जान गंवाना पड़ता है। मेरे दोस्त, जितने भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, और आप लोग से यही हमारा आग्रह है, और हम लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जान क्यों न देना पड़े और गोली क्यों न खाना पड़े। और आपका पुलिस प्रशासन जितने भी हैं, एसपी डीएसपी डीआईजी सबसे अनुरोध है और सलाम है कि साहब आप लोग अच्छे लोग को जेल में मत डालिए, जो आर्म्स लेके घूमता है, गोली मारने का धमकी देता है, उसको जल्द से जल्द पकड़ के अंदर कीजिए। नहीं तो हम लोग अभी माइक पकड़े हुए हैं, पत्रकारिता करते हैं, ऐसा मत तंग कीजिए हम लोग को कि हमको भी गलत कुछ पकड़ना पड़ जाए। अब समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अच्छी बात ही समझ जाइए। आज माइक पकड़े हुए हैं, अगर हमारे कनपट्टी में कोई बंदूक भिराएगा तो हम भी बहुत कुछ पकड़ सकते हैं। जय हिंद। कंटिन्यू।